नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़। लोकसभा चुनावों में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां करती हैं और उन रैलियों में राजनीतिक बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो विवाद को जन्म देते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले ही दिन टूट जाएगा। नरेश अग्रवाल ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती खुद अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगी और वह चौराहे पर दौड़ते नजर आएंगे। आपको बता दें, कभी समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे नरेश अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के हरदोई में यह बात कही और इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व नेता अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि 23 मई को जब चुनाव नतीजे घोषित होंगे तो अगले ही दिन मायावती उनका साथ छोड़ देंगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। नरेश अग्रवाल ने अपने इस दावे के पीछे एक तर्क भी दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा, 23 मई को मतगणना होनी है और 24 मई को मायावती कहेंगी कि मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, मुसलमान और अहिर ने हमको धोखा दिया है। इसके बाद अखिलेश चौराहे पर वानरों की तरह घूमेंगे और चौराहे पर दौड़ते दिखाई देंगे। गठबंधन को लेकर इस तरह का यह बयान पहली बार सामने आया है। नरेश अग्रवाल ने न सिर्फ मायावती पर गठबंधन तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि अखिलेश यादव के लिए विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि गठबंधन को लेकर दूसरे किस्म के दावे भी गठबंधन विरोधी नेता करते रहे हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर आरोप लगाया था कि वह चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चली जाएंगी। खासकर मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बयानबाजी नेताओं द्वारा यूपी की सियासत में की जा रही है। अब बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने मायावती द्वारा गठबंधन तोड़ने की बात कहकर इस चर्चा को और हवा दे दी है। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो लोग एचसीएन न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।